तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं दर्शन आ रहा, आप लोग देख रहे हो दर्शन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आ चुका हूँ कि माइटिस मॉस प्रो को कैसे एक्टिवेट करें और अटैक से हो जाएगा आप लोगों का एक्टिवेशन। मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो, कहीं पे भी स्किप मत करो। और माइटिस मॉस प्रो के अंदर इसके इस ऐप के रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने इस एक ही वीडियो में बता दिया है। आप लोग वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, स्किप बिल्कुल भी मत करो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। एक ही वीडियो काफ़ी आप लोगों को माइटिस मॉस के अंदर कैसे एक्टिवेट करें और सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 10 वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पे देख सकते हो माइटिस मॉस प्रो के अंदर ही खेल रहा हूँ, अभी कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके ही खेल रहा हूँ। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मेरा कर्सर है यहाँ पे, माइटिस मॉस प्रो का लोगो भी आ रहा है। मैं इसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका हूँ और ये देखो इसका फंक्शन सारा वर्क कर रहा है, की मैपिंग वगैरह। और यहाँ पे ये देख सकते हो 360 भी अच्छे से हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अब तक तो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और आप लोगों को ऐसे ही बिना प्रॉब्लम के खेलना है तो मैं इस वीडियो के अंदर सारे के सारे चीज़ें बता चुका हूँ, आप लोगों को बस वीडियो को पूरा देखना है। और आप लोगों को की मैपिंग कैसे करना है इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। और जो भी अपने चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कर लो। और मैं आपको आप लोगों को 100% भरोसे दे रहा हूँ कि ये काम करेगा ही करेगा, आपका एक्टिवेशन आराम से हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। और अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, तो आ जाओ। जो भी वीडियो पे नए हो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, माइटिस मॉस प्रो को आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा, जाके सर्च करो माइटिस मॉस प्रो, इजीली मिल जाएगा और एकदम फ्री है, जाके डाउनलोड कर लो माइटिस मॉस प्रो। और ऐसे सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड भी कर लो, कुछ इस तरह का इसका लोगो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ओपन कर लो फटाफट से आपको। और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं भी, ऐसा इसका लोगो है। और टैप टू स्टार्ट माइटिस बडी के ऊपर क्लिक करो, मेरा ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है क्योंकि मैं एक बार कनेक्ट कर चुका हूँ। और इस बार ना थोड़ा बहुत ये मतलब परमिशन वगैरह मांगता है, उस सभी को दे दो, मतलब अलो स्क्रीन्स ऑन अदर ऐप्स वगैरह। और USB डेब्यूगिंग, वायरलेस डेब्यूगिंग ये थोड़ा मांगता है, ये दो तीन चीज़ें मैं सेटिंग्स पर दिखा देता हूँ। और दो तीन चीज़ें ना ये यहाँ पे उसी मैप के अंदर स्टार्टिंग से आपको दिखा देगा, जैसे आप ऐप ओपन करते हो तब दिखा देगा। और यहाँ पे आपको सिंपली अपने डेवलपर ऑप्शन पे जाने लें सेटिंग के बाद, वहाँ पे USB डेब्यूगिंग को ऑन कर देना है और वायरलेस डेब्यूगिंग को ऑन कर देना है। और एक सेटिंग है वो आपको माइटिस मॉस प्रो के अंदर देखने को नहीं मिलता, और इसको ऑन नहीं करते हो आप लोग तो वहाँ पर जो स्टार्ट पेयरिंग का जो चार्ट है ना वो ये सेटिंग खोलते ही बंद हो जाएगा, ये अलाउ स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग, इसको ऑन कर लेना। ये माइटिस मॉस प्रो के अंदर दिखाता नहीं है ये सेटिंग, पर इसको ऑन करना ही करना है आप लोगों को, वरना तो नहीं होगा ये। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़े बहुत और सेटिंग मांग लेते हैं, वो यहाँ पे दिखाता नहीं है ये, जहाँ जो आप पहली बार इस ऐप को ओपन करते हो तब ये बता देता है आप लोगों को, वो तो ईजी है। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट पेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना, ये देखो ये चार्ट है ना ये गायब हो जाता है, अगर मैं जो बताया था ना ये वाला ये अलो स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग, इसको ऑफ कर दिया तो ये चार्ट गायब हो जाता है। मैंने पहले ऑन करके रखा तो ये अब गायब नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको वायरलेस डेब्यूगिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड के ऊपर क्लिक करना है। तो बड़े बड़े नंबर में लिखे हैं ना, इसको 6 डिजिट पेयरिंग कोड के ऊपर लिख देना है, जैसे कि मेरा 5536399 है, मैं सिंपली लिख देता हूँ। और नीचे IP एड्रेस एंड पोर्ट है ना, इसके लास्ट में दो डॉट है, उसके सामने जो 5 नंबर है उसको 5 डिजिट पेयरिंग नंबर के ऊपर लिख देना है, सेकेंड कॉलम। और मेरा वाला नंबर को कॉपी मत करना, अगर ऐसा कॉपी करोगे तो आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डिवाइस का अलग अलग नंबर होता है। और मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, उसके बाद मैं भी यहाँ पे 1 3 6 ये मैं डाल देता हूँ, उसके बाद ना मैं डालने के बाद बताता हूँ। और एक बात ध्यान रखो, ये वाला नंबर कॉपी मत करना, आप लोगों के आप मोबाइल के ऊपर क्या दिक्कत है उसी को करो। जो आप लोगों के ये सब करने के बाद पेयर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये मतलब कनेक्टिंग वाला ऑप्शन को दिखा देगा, थोड़ा आर्टिफिशियल कनेक्टिंग ऐसा दिखा देगा, ये देख सकते हो मेरा तो हो चुका है। अगर ये ऐसा ही दिखाता रहेगा बहुत देर तक, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो इसको कैंसिल कर देना है,
ये हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। मेरा तो अभी हो चुका है क्योंकि मैं पहले ही कनेक्ट करके रख चुका हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं एक और सेटिंग बताता हूँ। सिंपली आपको जहाँ पे नोटिफिकेशन रहते वहाँ पे एक माइटिस्पोर्ट का नोटिफिकेशन है, आप मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल करके इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, इसका नोटिफिकेशन को माइटिस मोस प्रो को। ऐसा क्या हो जाएगा, इसका इंजन किल हो जाएगा और फिर से माइटिस मोस प्रो को ओपन करना है। और इसके बाद ना टैप टू स्टार्ट माइटिस बडी के ऊपर क्लिक कर देना है एक और बार। यार ये मेरे को ऐसा दिक्कत है क्योंकि मैं पहले से कनेक्ट करके रख चुका हूँ। और फिर से आपको ये पेयर कर देना है, मतलब वायरलेस डेबगिंग में जाके ये दोनों नंबर जहाँ पे डाला है वो मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वहाँ पे नंबर डाल देना है। उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस बार भी नहीं होता तो मेरे पास एक और सोल्यूशन है, इसके एक और बार नोटिफिकेशन को यहाँ पे किल कर दो, स्टॉप कर दो। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाओ, पहले इसको हटा देता हूँ, सेटिंग में जाओ, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाओ। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखो 3GPP80 कमेंट्स ऐसा लिखा हुआ है, और इसको ऑन कर दो। जैसे आप ऑन करते हो और यहाँ पे नीचे एक ओके वाला बटन दिखाई है, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका मोबाइल एक बार रिस्टार्ट होगा। और रिस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। रिस्टार्ट होगा आप लोगों का इसको जैसे ही ऑन करते हो। और फिर से आप लोगों को सेटिंग में जाना है, डायरेक्ट किसी पे भी नहीं जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, फिर से वो 3GPP80 कमेंट्स वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। उसके बाद उसको फिर से ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद जैसे ही ओके बटन दिखाता है उसके ऊपर क्लिक कर दो, फिर से आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा। और उसके बाद आके ना यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे इसको ऑन ऑफ़ करते हो 3GPP80 कमेंट्स को, यहाँ पे ना आप लोगों का थोड़े बहुत सेटिंग डिसेबल हो जाता है, मतलब वायरलेस डिबगिंग ऑफ हो जाता है। उसको सिंपली ऑन कर दो। उसके बाद USB डिबगिंग शायद से ऑफ़ नहीं होता, अगर ऑफ़ होता है तो ऑन कर लो उसको भी। और मैंने जो पहले एक सेटिंग बताया था ना उसको ऑन करना है किसी भी कीमत में आप लोगों को इसको ऑन करना है। ये देख सकते हो अलो स्क्रीन ओवरलेस ऑन सेटिंग लिखा हो, इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है माइटिस मोस प्रो के अंदर, उसके बाद टैप टू स्टार्ट माइटिस बडी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से पेयरिंग चार्ट वाला ये एक स्टार्ट पेयरिंग के ऊपर क्लिक करना है और वायरलेस डेबगिंग में अंदर जाना है, पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड के ऊपर क्लिक करना है। और जो नंबर वहाँ पे होता है जहाँ जहाँ पे डालना होता है मैं पहले बता चुका हूँ, उसके वहीं पे डाल देना है। और डालने के बाद आप लोगों का ये माइटिस मोस प्रो कनेक्ट होगा ही होगा, 100% गारंटी है। ये देख सकते हो मेरा अभी हो चुका है। और इसके बाद ना आप सिंपली यहाँ पे ऐड लिखा होता है, यहाँ पे ऐड गेम्स के ऊपर क्लिक करके आप लोगों का जो भी गेम है वो ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पे गेम ऐड कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा गेम ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों को प्रो करना पड़ेगा, मैंने तो पहले ही खरीद रखा है इसलिए मैं 2-3 गेम ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद ना मैं ये पेरिफेरल्स का मतलब ये आप लोगों का कीबोर्ड माउस जो कनेक्ट होता है ना उसको पेरिफेरल्स बोलता है। और इसके बाद ना आप लोगों को जो यूनिक प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई भी यूट्यूब पे नहीं बता रहा है, इस वीडियो पे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे राइट साइड में एक सेटिंग वाला, नीचे एक सेटिंग वाला ऑप्शन है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। की मैपिंग वगैरह गेम के अंदर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रहा है, सार के सारा इन्फॉर्मेशन इस पर दिया हुआ है। और यहाँ पे ना हाउ टू यूज़ ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, और नीचे ना कॉमन प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे रीड का ऑप्शन है, जैसे आप रीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, की मैपिंग के रिलेटेड और गेम के अंदर कुछ दिक्कत आ रहा है, मतलब जॉयस्टिक वगैरह कुछ भी यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसका सोल्यूशन देखना है तो ये एरो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो इसका सोल्यूशन भी दिख जाता है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आप लोग बैकग्राउंड में जितना ऐप यूज़ करते हो उतना ही दिक्कत आ जाएगा इस माइटिस मोस प्रो के अंदर। जितना कम ऐप आप लोग बैकग्राउंड में यूज़ करते हो उतना बेहतरीन तरीके से ये काम करेगा माइटिस मोस प्रो। अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करें तो वो अलग बात है, वो तो काम कर जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।